हम दिखाएंगे आपको आपके शहर की हर खबर का सच अपने कोरोना योद्धाओं के साथ। हर खबर की हकीकत से रूबरू कराएंगे अपने संवाददाताओं के साथ। चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर फील्ड में रहकर जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में शनिवार को मेयर हाउस में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा मंत्री कंवर पाल व विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर मदन चौहान ने की। इस दौरान उन्होंने 175 कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया। इसमें नगर निगम की 82 महिला सफाई कर्मचारी व वार्ड नंबर 1-3 के 93 पुरुष सफाई कर्मचारी शामिल थे। जो पूरी दुनिया के अंदर विषम महामारी फैल रही है, तो उसके अंदर जो कोरोना योद्धा कोरोना को भगाने का काम कर रहे हैं, सबसे जो मेन काम है, मैं समझता हूँ, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनका काम किसी भी तरह से कम नहीं है। वो सबसे मजबूत अगर काम किसी का है तो वो सफाई कर्मचारियों का है। डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ऐसे देश के अंदर हजारों संस्थाएं काम कर रही हैं। उसी के निमित्त जो हमारे सफाई कर्मचारी गंदगी को साफ करने का काम करते हैं, पिछले 38 दिनों से सैनिटाइज करने का काम इन्होंने हर रोज करने का काम किया। 22 के 22 वार्डों में कई कई बार करने का काम किया, सफाई व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, जिसका परिणाम ये निकला कि हरियाणा के अंदर नगर निगम कॉरपोरेशन जो अपना है यमुनानगर जगाधरी नंबर 1 पे हरियाणा में आया। उसी के तहत आज जो हमारी सफाई कर्मचारी बहने थी 82, उनको सम्मानित करने का काम किया। ऐसे 93 हमारे सफाई कर्मचारी थे, उनको सम्मानित करने का काम किया। बाकी जो बचे सफाई कर्मचारी हैं, हर रोज हम ये सोमवार के बाद दो दो तीन तीन वार्डों में इकट्ठे करके सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, जिससे कि एक उत्साह जाता है। और हमने इसलिए अंगवस्त्र देकर के सम्मानित करने का जो काम किया कि हिन्दुस्तान की जो संस्कृति है, अंग वस्त्र देकर के जब सम्मान करते हैं तो एक फीलिंग जाती है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम।